सो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो फाइनली यहाँ पे आ गया है हमारे पास मी का मी बैंड 4, जो कि लेटेस्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ग्लोबल वेरिएंट है जो कि अभी चाइना में और ग्लोबली आई थिंक यहाँ पे यूरोप में लॉन्च हो गया है, और इंडिया में कब आएगा वो वीडियो में बताता हूँ। वैसे कन्फर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है काफ़ी जल्दी आने वाला है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का यहाँ पे ये मी बैंड 4 देखने को मिलता है, क्योंकि यार ये डेफिनेटली किलर है मी बैंड 3 का। जी हाँ, क्योंकि यार शाओमी को शाओमी ही मार सकता है और कोई से टक्कर नहीं कर सकता है बैंड के मामले में फ़िलहाल। तो ऑनर के भी बैंड आते हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं लगते हैं मुझे, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। तो इसीलिए मैंने कहा यार किलर ऑफ मी बैंड 3 मी बैंड 4 आ गया है हमारे पास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। तो इस तरीके का बॉक्स देखने को मिलता है, यहाँ पे मैंने मंगवाया है इसको चाइना से। अगर आपको लेना है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ले सकते हो। एक आपके लिए ही ऑफ़र लेके आया हूँ मैं, कि जिसमें यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं नहीं, जो सेलर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वारंटी वगैरह कुछ दाम के अंदर, लेकिन वो चाइना से थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन आपको वारंटी भी मिलेगी। अगर आपको जाना है तो लिंक मैं दे दूँगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो अगर आपको बाई करना है। यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे रहती है कि ब्लूटूथ 5.0 आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ एमोलेड टच डिस्प्ले मिलती है, वाटर रेजिस्टेंस और 20 दे की बैटरी लाइफ यहाँ पे क्लेम करता है शाओमी। अब देख लेते हैं ये 20 दे मिलती है कि नहीं, क्योंकि मी बैंड 3 में भी एक महीना की आई थिंक क्लेम करता था, लेकिन इतनी तो नहीं मिलती है, मुश्किल से 15 से 20 दिन मिल जाती है। तो इस तरीके से बड़ा सा बॉक्स है। अब बॉक्स के अंदर चलें तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पैकेजिंग मिलती है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको बैंड। इसको साइड में रखते हैं, और आज मुझे यार अनबॉक्सिंग करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये अनबॉक्सिंग काफ़ी कम होती है मोबाइल की, तो यार सब में सेम होता है, लेकिन बैंड में काफ़ी अलग देखने को मिलता है। तो उसके अलावा ये आ जाता है एक हमारे पास नए तरीके का चार्जर। पुराना अगर आपको पता हो तो बैंड को बाहर निकाल के साइड में प्लग करना पड़ता था, वो चीज़ को अब आई थिंक इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसमें आपको सिर्फ रखना पड़ेगा इसको, जो आपको कैप्सूल मिलती है उसके अंदर, उसके बाद ये चार्जिंग हो जाएगी। तो चार्जिंग डॉक की तरह आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कूल है यहाँ पे। उसके अलावा इधर भी आई थिंक यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलता है। ओहो, तो यहाँ पे आपको मिलती है बहुत मोटी सी मैनुअल, लिटरली बहुत मोटी मैनुअल देखने को मिलती है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिल जाती है, इसलिए इतनी मोटी यहाँ पे मैनुअल देखने को मिलती है। भाई यार पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, वैसे मैं आपको बता ही दूंगा मेन फंक्शन तो। और काफ़ी सारी वीडियो टिप्स ट्रिक्स हैक्स वगैरह सब आपके लिए लेके आऊँगा, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना। और ये आ गया है मी बैंड 4, इस तरीके का आपको यहाँ पे ये मी बैंड 4 देखने को मिल जाएगा। तो दिखा देता हूँ आपको ये है, और देख लेते हैं थोड़ा सा चार्ज ज़रूर है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ है पेयर फर्स्ट, तो चलिए यहाँ पे मैं इसको पेयर करता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो पेयरिंग प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, अगर आपने मी बैंड 3 यूज़ करा है तो सेम उसी की तरह का प्रोसेस रहता है। अगर आपने नहीं करा है तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करना है मी फिट के एप्लीकेशन को। यहाँ पे आप इस तरीके का आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड होकर इंस्टॉल होने के बाद। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बैंड में और ओके कर देंगे, अलाउ यूज एक्सेस कर देना आप यहाँ पे अलाउ कर देते हैं इसको। मेरे पास यहाँ पे गो टू सेटिंग और लोकेशन में हम अलाउ कर देंगे, फिर हम बैंड में टैप करेंगे, ओके करते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सर्चिंग कीप दी बैंड क्लोज टू योर फ़ोन। तो यहाँ पे हम क्लोज़ करके रखेंगे इसको, ताकि यहाँ पे ये सर्च कर ले हमारे बैंड को यहीं पे। तो वेट करते हैं थोड़ा, देखते हैं सर्च हो जाता है कितने टाइम लगेगा इसको। तो यहाँ पे हो गया है बैंड पेयर टू फ़ोन का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली हम येस पे टिक पे लगाएंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे इधर, तो यहाँ पे पेयर सक्सेसफुली हो गया है आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से सेट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे है एक्टिवेट न्यू डिवाइस इफ़ यू हैव पेयर मल्टीपल डिवाइस वर्सेस ओनली वन विल बी अवेलेबल टू रिकॉर्ड डाटा एंड रिसीव डाटा। तो मेरे पास मी बैंड 3 ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड है, तो अब हम यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे न्यू डिवाइस, और पुराने डिवाइस को हम यहाँ पे डिसकनेक्ट कर देंगे। तो देख लेते हैं जस्ट अ सेकंड, आपको यहाँ पे मैं इस प्रोसेस को स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया, लेकिन यार कनेक्ट होते ही यहाँ पे एक फर्मवेयर का अपडेट आ गया है, तो ये सब चीज़ भी आपको इसके अंदर कनेक्ट होते ही देखने को मिलती है। तो इसको भी स्किप करता हूँ मैं, आपको ये सब चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हो तो इस तरीके से आपको मिलेगा, और आपको यहाँ पर वेट करना है थोड़ा सा, अपने बैंड को कीप क्लोज रखना है। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसके थोड़े थोड़े फंक्शन क्या देखने को मिलेगा, फुल रिव्यू आपको जल्दी से मैं बाद में ज़रूर दूंगा। फिलहाल के लिए इसके इनिशियल इंप्रेशन आपको ज़रूर बता देता हूँ। सो यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है बैंड कनेक्ट, और इस तरीके का आपको यहाँ पे दिखता है
फर्स्ट पेयरिंग के बाद आपको यहाँ पे एक अपडेट आएगा, अपडेट के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का बैंड देखने को मिल जाएगा। तो चलिए क्विक फंक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है टच डिस्प्ले है इसके अंदर, तो आप सिंपली अब स्वाइप अप करके यहाँ पे इसको अनेबल कर सकते हो जो भी चीज़ फंक्शन चाहिए। इस तरीके से पहले हमको यार मी बैंड 3 में नहीं देखने को मिलता था। हम हालांकि ऊपर नीचे कर सकते थे, लेकिन हमको कुछ फंक्शन के लिए यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके रखना था, उसके बाद काम होता था। लेकिन अब यहाँ पे जैसे आपको दिखाऊँ हार्ट रेट, आप इस पर सिंपली टेस्ट आप टैप करो, उसके बाद आपका यहाँ पे ये हार्ट रेट बीपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक फंक्शन आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा वर्कआउट, वेदर, नोटिफिकेशन, मोर के अंदर आपको DND मोड मिल जाता है अलार्म का, म्यूज़िक का, आप यहाँ पे अपने फ़ोन के अंदर म्यूज़िक भी चेंज कर सकते हो, तो ये भी मोड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पे स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड डिवाइस, साइलेंट कर सकते हो, बैंड की डिस्प्ले आप यहाँ पे चेंज करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे फ़िलहाल आपको 3 ही देखने को मिलेंगे, लेकिन यार यहाँ पे आपको मी फिट ऐप के अंदर आपको काफ़ी सारे और भी देखने को मिल जाएंगे जिसको आप लगा सकते हो अनगिनत। मैं जल्दी से एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें मैं और भी बताऊँगा कि मी फिट के अलावा भी आप कहाँ से अपने मनपसंद चीज़ के बैंड के डिस्प्ले को लगा सकते हो, तो उसको भी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। उसके अलावा आप यहाँ पे ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हो, तो इसका भी ऑप्शन मिलता है। लॉक स्क्रीन वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, रिबूट कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट, अबाउट रेगुलेशन, सबका ऑप्शन आपको यहीं मिल जाता है। तो फैक्ट्री रीसेट वगैरह सब आपको इसी के अंदर एक बार में ही मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा आप यहाँ पे लेफ्ट स्वाइप करोगे तो आपको म्यूज़िक का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट स्वाइप में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलती है, तो ये भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल इनिशियल रिव्यू बताऊं तो यार बैंड की क्वालिटी सेम एज मी बैंड 3 लगती है, लेकिन यहाँ पे आपको डिज़ाइन वाइज काफ़ी चेंज मिलेगा कैप्सूल में, जो कि पहले कर्व टाइप की थी अब एकदम स्ट्रेट कर दी है। तो इसका एक और मतलब भी मैं आपको बता दूं कि अब आप इसमें जो रियल टेम्पर्ड है यार वो भी लगा सकते हो, सिर्फ प्लास्टिक फिल्म की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको काफ़ी और भी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। इसका डिज़ाइन आई थिंक इंस्पायर है मी बैंड 2 के मिक्स से। मी बैंड 2 में भी आई थिंक ऐसे ही फ्लैट डिज़ाइन आपको देखने को मिलता था, अगर मिलता था तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मुझे कन्फर्म नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आपको बैटरी के भी इन्फो देखने को मिल जाती है कि कितनी परसेंटेज आपकी यहाँ पे बैटरी लेफ्ट है, तो ये भी ऑप्शन काफ़ी अच्छा इसके अंदर मुझे देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ आप इसके अंदर देख सकते हो, चेक कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहता है। थोड़ी सी इनिशियल टेस्टिंग के बाद मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा फुल रिव्यू में कि आपको यहाँ पर ये बैंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर अब भी आप मेरी मानो तो आई थिंक यहाँ पर बेस्ट बैंड होगा, और इसके अंदर एक दो प्रॉब्लम ज़रूर होगी, जैसे कि यहाँ पर आपका ये स्टेप रिकॉर्ड कर लेगा जब आप सोते रहोगे, ड्राइविंग करोगे तब भी। हालांकि इसमें 5x आपको जायरोस्कोप देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉब्लम हमेशा से रहती ही है मी बैंड के अंदर। अब ये हो सकता है आपको यहाँ पे अपडेट के साथ ये फिक्स भी कर दें, तो ये भी चीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही आपको इस वीडियो में। आपको और कौन कौन सी वीडियोस टॉपिक पे चाहिए मी बैंड 4 के ऊपर, प्लीज़ कमेंट करके नीचे बता दो, टेलीग्राम ग्रुप में बता दो, सारी वीडियो आपके लिए लेके जल्दी से आऊँगा। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, और अगर आपको बाई करना है लोकल तो उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो एक हफ्ते के अंदर आपके घर में आ जाएगा। अगर आपको चाइना से बाई करना है तो उसका भी लिंक दे दूंगा, आप बाई कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मी बैंड 4 के अंदर सारे मी बैंड 3 के स्ट्रैप लग जाएंगे जो भी है, और ये स्ट्रैप कैसा लगा बताओ। ये मी बैंड 3 पे मैंने लगाया हुआ है, काफ़ी कूल लग रहा है, मुझे तो रियलिटी में काफ़ी मस्त लगा है, और काफ़ी दिनों से मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद है तो लिंक इसका भी मिल जाएगा, जाके ज़रूर से चेकआउट कर लेना। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।